मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने अभी से इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन बीते 15 सालों से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए इस बार चुनौती पैतरनी पार करनी है आसान नहीं लग रहा। चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश के साधु संतों ने एक बार फिर से शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में साधु संतों ने एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। खबरों के मुताबिक प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए सैकड़ों साधु संतों ने राजधानी भोपाल में अड्डा जमा दिया है। बताया जा रहा है कि ये सब कुछ साधु संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने और नर्मदा नदी में हो रहे प्रदूषण को लेकर नाराज हैं। भोपाल में जमा हुए इन साधु संतों की मांग है कि सरकार ने जिन संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है उसके लिए वो माफ़ी मांगे और नर्मदा को बचाने के लिए जो संकल्प लिया है सरकार उसे पूरा करे। हालांकि साधु संतों के विरोध को देखते हुए पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन साधु संत पीछे हटने को तैयार नहीं है। साधु संतों का कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है। सरकार ने नर्मदा को बचाने के लिए कोई काम नहीं किया और नर्मदा को बचाने के लिए सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।